दोस्तों मैं हकीम फैसल, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जो लोग अपनी टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं, दोस्तों कई लोग सेक्स के शौकीन होते हैं और वो लोग अपनी टाइमिंग को बढ़ाना चाहते हैं और पेनिस में ज़बरदस्त तनाव चाहते हैं और कई कई औरतों पर काबू पाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊँगा जिसे इस्तेमाल करने के बाद आपके पेनिस में ज़बरदस्त तनाव आएगा, ज़बरदस्त इरेक्शन आएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, प्रोमेचर एजुकेशन जिन लोगों को हो जाता है ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। दोस्तों कई कई बीवियों पे काबू पालोगे, बहुत ही शानदार नुस्खा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोग वीडियो से पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों टाइमिंग के लिए बहुत ही शानदार नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएं। दोस्तों नुस्खा नोट कर लें, पहले नंबर पर आपको लेना है मगज़ बिनोला, ये लेना है आपको 10 ग्राम, और दूसरे नंबर पर आपको लेना है मगज़ कद्दू, ये भी आपको 10 ग्राम लेना है, इन दोनों को बारीक पीस लेना है, और तीसरे नंबर पर आपको लेनी है खशखश, ये लेनी है आपको 5 ग्राम, और चौथे नंबर पर आपको लेना है 200 ग्राम भुने हुए चने, इनका आपको आटा तैयार कर लेना है, और 50 ग्राम लेना है आपको गाय का घी, बारीक पिसा हुआ बिनोला और कद्दू और बारीक पिसी हुई खशखश और चने का आटा, और इन चारों चीज़ों में आपको वो 50 ग्राम घी डाल देना है और उसको अच्छे से मसल लेना है, और मसलने के बाद जब ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाए तो एक चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करें और एक चम्मच रात को सोने से एक घंटा पहले इस्तेमाल करें। दोस्तों 40 दिन इस्तेमाल इसको कर लें, वीरिया आपका गाढ़ा हो जाएगा और वीरिया में आपके शुक्राणु बढ़ जाएंगे। जिन लोगों का वीरिया नहीं बनता है इस नुस्खे के इस्तेमाल से वीरिया बनना शुरू हो जाएगा और वीरिये में स्पर्म की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, प्रोमेचर एजुकेशन की प्रॉब्लम इस नुस्खे से दूर हो जाएगी, टाइमिंग बढ़ जाएगी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम भी इस नुस्खे से दूर हो जाएगी। दोस्तों ये ऐसे लोगों के लिए है जो वियाग्रा या दूसरी कई ताकतवर दवाइयों का यूज़ करते हैं जिनसे उनको नुकसान होता है, ये नुस्खा किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, शुगर के पेशेंट भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस नुस्खे को बनाएं, आजमाएं और इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं फिर एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।